दोस्तों यहाँ पर हमारे भाई आए हुए हैं, क्या नाम है जी आपका? आकाश। आकाश आए हुए हैं भैया, कितनी उम्र है आपकी? 22। 22 साल की उम्र है। आप जरा ध्यान से सुनना, देखो इनकी हालत क्या हो गई है, और यहाँ पर स्ट्रेच मार्क देखो इनके, इधर आओ आपको मैं दिखाता हूँ, नज़दीक से देखो ये कितने गंदे वाले स्ट्रेच मार्क हैं यार। और ये जो खाल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है आपको? जिम में मैंने गेनर ले लिया तो उससे मेरी लीवर में भी दिक्कत हो गई, तो कुछ भी खाता था वॉमिटिंग वगैरह, LFT वगैरह चेकअप भी कराया तो उसमें हाँ। काफी दिक्कत आई। मतलब मुझे लगता है कि आपका एकदम से साइज बढ़ गया था शरीर का। हाँ एकदम से फूल गए थे। हाँ 48 से मैं 75 वेट हो गया था। 48 किलो से 75 किलो? हाँ 2 से 3 महीने में। 2 से 3 महीने में 48 से 75 किलो। और ये देखो जब शरीर एकदम से बढ़ता है तब ये गंदे वाले स्ट्रेच मार्क आते हैं, ये देख रहे हैं आप। और दोबारा कैसे ऐसे हो गए? वो बीमार हो गया था मैं, उससे मेरे लीवर में कुछ भी खाया भी नहीं जा रहा, डाइट वगैरह सब कुछ छूट गई थी मेरी, जिम वगैरह सब। और अब सब खत्म है? सब खत्म। फिर से वजन कितना है अब? 51 के आसपास। मतलब वही आ गया जहाँ पहले था। और भूख का क्या हाल है? भूख लगती है मगर वैसे खाया नहीं जाता ज्यादा, लीवर उसने खराब कर दिया जी। ठीक है भैया, मुझे ये बताओ कि इसमें गलती किसकी है, आपकी है या जहाँ से आपने परचेज किया उसकी है? गलती तो मेरी भी उनकी भी, क्योंकि मेरे उनकी कैसे गलती? मैं फेक माफिया का फेवर नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पर मैं भाई से सारा सवाल जवाब करता हूँ, आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना भैया, उनकी कैसे गलती? मतलब जिम में वही नकली सामान मत दो किसी को जिससे दिक्कत होती है। नहीं, किसी वो तो आपकी बात ठीक है। मुझे एक बताओ, वो आपके घर आए थे क्या देने के लिए? घर तो नहीं आए थे मगर आपने खुद ने लिया ना जी। अब मैं बताता हूँ उनकी गलती कैसे नहीं है। आप सप्लीमेंट्स वाला को फॉलो करते हैं यार, मैं तभी से पिछले 5-6 साल से गला फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला रहा हूँ। मुझे एक बार बताओ, आपने जो भी मास गेनर लिया था कितने का लिया था? मैंने 3500 रुपये का। 3500 रुपये का लिया था ना आपने मास गेनर? और उस मास गेनर का कोई बिल वगैरह लिया था आपने? नहीं कुछ नहीं, ऐसे दे दिया दोनों भाई। तो फिर भाई आपने बिल क्यों नहीं लिया उसका? चलो मुझे एक चीज़ बताओ, आप मोबाइल फ़ोन है आपके पास जी। जब आप मोबाइल फ़ोन लेने के लिए गए थे आपने बिल लिया नहीं लिया? लिया था, बिल लिया था। आप अपने घर के लिए कभी टीवी लाए हैं जी? टीवी का जब आप लेने जाते हैं बिल लेते नहीं लेते जी? आप फ्रिज लाते हैं बिल लेते नहीं लेते? बिल्कुल। मोटरसाइकिल लाते हैं बिल लेते नहीं लेते? लेते। गाड़ी लाते हैं बिल लेते नहीं लेते? बिल तो हर चीज़ का, हर चीज़ का बिल लेते हो आप? हाँ बस। अच्छा अगर मान के चलो कल को ऐसा होता है कि आपका टीवी खराब हो जाए तो क्या होगा? वो बिल के थ्रू पता भैया आप उसको सही करा लोगे? गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या होगा भाई? चोरी होगी कोई बात नहीं, कंप्लेंट करा देंगे, इंश्योरेंस करा लेंगे, या समझ रहे हैं ना? मतलब यार गाड़ी चोरी होगी, टीवी खराब हो गया, भाई मर तो नहीं जाओगे? नहीं। सेहत तो खराब नहीं होगी? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बिना बिल का मास गेनर ले लिया, वो यहाँ अंदर चला गया, अगर लीवर किडनी डैमेज हो जाए, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी XYZ हो जाए, कहाँ सही करवाओगे? वो तो फिर ठीक नहीं होगी ना? ठीक, तो फिर गलती किसकी है? मेरी। यार मतलब हम टीवी का बिल ले रहे हैं, फ्रिज का बिल ले रहे हैं, सब का बिल ले रहे हैं, और बिना बिल के हम खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं, ये हमारी गलती है यार। और इस गलती का फायदा उठाता है ये फेक माफिया। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, खाने पीने की चीज़ें यूं ही मत खरीदो इनको। और मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल यार मैं कह रहा हूँ, आप चावल लेने जा रहे हो तो चावल भी अच्छी क्वालिटी के लो, आप दाल लेने जा रहे हो अच्छी क्वालिटी की दाल लो, पैसे बचाने हैं आप या टीवी फ्रिज पे बचा लो पैसे, बेशक जो है क्वालिटी थोड़ी डाउन ले लो टीवी फ्रिज की, पर भाई खाने पीने की चीज़ें क्वालिटी वाइज लो, अच्छी लो, ओरिजिनल लो, बिल के साथ लो। और कहाँ से लो? सप्लीमेंट विला। सप्लीमेंट्स विला से लो, इधर उधर से सस्ते के चक्कर में होली ऑफर दिवाली ऑफर भाई हाथ जुड़वा लो, ये खाने पीने की चीज़ें नुकसान बहुत करेंगी, तो इसलिए आप आओ सप्लीमेंट्स ला। अभी मैंने सिर्फ भैया से बात करी है नॉर्मल। भूख का हाल बुरा है? भूख लगती है मगर उतने वैसे नहीं लगती जैसे। और भूख नहीं लग पा रही? भूख वैसे हाँ दिन में, जो भी खाते पीते हो बता रहे हो कि बाहर निकलने को रहता है। मतलब उस टाइम पे अब तो थोड़ा ठीक हो गया सिचुएशन, मगर पहले ज़्यादा होता था। कितने दिन हो गए इस बात को जब भूख लिया था? अब 6 महीने कुछ हो गए हैं। 6 महीने कुछ हो गए हैं, तो देखो बॉडी भी अपने आप को डिटॉक्स करती है। तो दोस्तों आप ये गलती ना करें भैया, अब आप ही तरह कोई जो है सस्ता गेनर या कोई बिना बिल का गेनर इधर उधर से लेने की सोच रहा है, क्या सलाह है उसको? बिल्कुल नहीं लेना, जो भी लेना सप्लीमेंट विला से लेना। आप सुन लो जरा ध्यान से, तो आप भी आओ सप्लीमेंट्स विला, आप जरा भाई की जरा परेशानी सुन लो। ये वीडियो स्पेशल मैंने आपको सिखाने के लिए बताई थी कि दोस्तों फेक माफिया के पास हम जाते हैं ना कि वो हमारे घर आता है, हमारी गलती है इसमें, और इस गलती से आप भी सीखो। इधर उधर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है यार, यहाँ पर भाई भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, पूरा इंडिया कह रहा है कि सप्लीमेंट्स लेंगे तो सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से, मास गेनर प्रोटीन प्री वर्कआउट BCAA EAA कुछ भी आपको चाहिए सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला, तो जुड़े परिवार से। और आपको भी अगर जैसे आप इनको भूख नहीं लग रही है तो इनको मैं गट पावर वगैरह मास गेनर दूंगा, पावर मास गेनर जो भी अच्छा होगा वो सप्लीमेंट दूंगा। पर ये वीडियो आपको सबक सिखाने के लिए, आपको सीख देने के लिए। अब ऐसा नहीं कि पहले सब शिकार होंगे फेक माफिया का उसके बाद सप्लीमेंट्स लाएंगे, नहीं, पहली बार ही आ जाओ और एक बार आप आ जाओगे उसके बाद कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा वादा आपसे।